हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप जानना चाहते हैं कुवैत ड्राइवर्स की कुवैत कंट्री में क्या सैलरी मिलती है। जी हां, मैं हूं शबी हसन और आप देख रहे हैं अमाफा हर्बल यूट्यूब चैनल की नई पेशकश। और इसी टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगा और छोटे से वीडियो में चर्चा करके आपको कुवैत ड्राइवर्स की सैलरी के बारे में बखूबी बहुत अच्छी तरीके से सटीक तौर से और रियल चीज मैं बताऊंगा आपको। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में फिर से। और मैं आपको दे रहा हूं नई नई जानकारियों के साथ। आज का टॉपिक है कुवैत ड्राइवर सैलरी कितनी मिलती है इस कुवैत कंट्री में। जी हां, इसको जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और मैं आपको बता रहा हूं कुवैत में अगर कोई ड्राइवर्स है या आने वाला है तो ऑलरेडी उसको सैलरी मिल रही है, वो जान रहा है। और इसके अलावा अगर आप बाहर हो, किसी और कंट्री से यहां पे आना चाह रहे हो, तो आपके लिए सैलरी जाना बहुत जरूरी है। आपको कोई भी वीजा दे रहा है तो आप वीजा देने वाले को बोलिए कि भाई साहब मुझे 100 दिनार से नीचे नहीं आना है। क्योंकि कभी कभी आदमी क्या होता है कि 90 दिनार 80 दिनार में बुलाता है। 80 दिनार 90 दिनार पे मत आओ भाई। किसी भी कंट्री में रहोगे, उसी कंट्री में आप खुश रहोगे, उसी कंट्री में उतना पैसा गेन कर सकते हो। इतनी दूर आने के बाद 80-90 दिनार का कुछ नहीं बनता। मिनिमम आपको 100 दिनार मिलता है कुवैत में। आपको कुवैती 100 दिनार सैलरी देंगे शुरुआत में आपको। अब भाई कोई 2-4-5% की बात करें तो कोई ना कोई परेशान है या कोई ना कोई को सैलरी कम मिल रही है या आने पे नहीं मिल पाती, तो उसकी बात मैं नहीं करता। लेकिन कम से कम आपको 100 दिनार है। अगर आप सऊदी रिटर्न है, अरबी इंग्लिश आती है, तो आपको 120-130 से स्टार्ट होता है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस सऊदी का है तो उसमें और आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही जल्दी से आपका वीज़ा भी निकल आता है और जल्दी से आप आ भी जाते हो। और कोई नया फ्रेशर है और ड्राइविंग के बारे में नहीं जानता है, गाड़ी चलाना नहीं जानता है, तो यहाँ कंट्री की बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे कुवैती खुद उसको चलवा के सिखवाता है, ड्राइविंग स्कूल में भेजता है, कार चलाना सीखता है, फिर बाद में साथ साथ सैलरी भी देता है। तो इसके तहत कम से कम 100 दिनार वो देता है और जो भी खर्चा होता है वो खुद ब खुद कुवैती करता है यहाँ पे। तो आप जान चुके हैं मिनिमम 100 दिनार। अगर आपका लाइसेंस बन गया है और आप जो हैं का तनाजुल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जिस घर भी जाएंगे तो वहाँ पे आपकी ऑटोमेटिक सैलरी बढ़ जाती है। क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस लिए होते हैं। एक्सपीरियंस लोगों की सैलरी देने में कुवैती कोई दिक्कत परेशानी महसूस नहीं करता है। लेकिन कोई कोई फ्रेशर होता तो उसके लिए प्रॉब्लम्स रहती है। तो मिनिमम आपको 100 दिनार तो मिलना है। इंडियन करेंसी के हिसाब से 22-23 हज़ार रुपया बनेगा आपका ये। और धीरे धीरे जैसे जैसे पुराने होंगे तो पर ईयर आपको 10 KD आपको सैलरी में इंक्लूड कर दिया जाएगा। आपकी धीरे धीरे सैलरी बढ़ने लगेगी। तो आपको 2-4 साल रहने पे ऑटोमेटिक 120-130 सैलरी आपकी ऑटोमेटिक हो जानी है। और यहाँ पे बहुत से ड्राइवर्स हैं जो 200 KD भी कमा रहे हैं और 150 KD कमा रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपये भी कमाने वाले हैं। लेकिन उनके पीछे छुपा है उनका एक्सपीरियंस और उन्होंने जो वक्त दिया है कुवैत कंट्री में, कुवैती के घर में, उसका रिस्पॉन्स है वो। तो न्यू फ्रेशर के लिए मिनिमम 100 दिनार है। और 100 दिनार से नीचे हो तो यार उसके लिए मज़ा नहीं आता। मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा आपको कि आप 100 दिनार के नीचे, क्योंकि इतना रुपया तो गेन आप खुद ही कर सकते हो। लेकिन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, अगर आ जाते हो, शायद किस्मत साथ देती है, आप कहीं इधर उधर लग जाओ। और भी बहुत से काम है कुवैत में, और भी बहुत से काम है जिसमें से व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। मैं इस पे भी वीडियो लेकर के आऊँगा और आपको बताऊँगा कि कुवैत कंट्री में ऐसा क्या करें, ऐसे कौन से वीज़े पे आए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके और आप जो है अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। तो अगर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो लेकर के आऊँ तो आप इस वीडियो को देख करके उसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।